हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। और आज मैं आपको देने वाली हूँ डीएम स्टोर का टूर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो भी आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर और भी बहुत सारी जो घर में काम आती हैं, वो सब मिलती हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जर्मनी में इन सब चीज़ों की कितनी ज़्यादा वेराइटी मिलती है और क्या क्या प्राइजेज रहती हैं। तो ये गेट पर ही आप ऑलरेडी देख सकते हो इन सब के पोस्टर्स लगे हैं। घुसते ही सबसे पहले तो ऑफकोर्स सैनिटाइजर रखा हुआ है, फिर ये यहाँ पे अम्ब्रेलास रखे हुए हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो आप देख सकते हो घुसते ही कि ये कितना ज़्यादा बड़ा स्टोर है। उसी से आप सोच लो कि कितनी वेराइटियाँ मिलती होंगी यहाँ चीज़ों की। तो गाइस, जर्मनी में साबुन भी मिलती है, बट इतना कल्चर नहीं है, ज़्यादा यहाँ पे बॉडी वॉश यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो गाइस, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी वेराइटी है और जर्मन में इसको बोलते हैं डूश जेल। तो जैसे ये बलिया है ना, ये डीएम का खुद का ब्रांड है, ये है 65 सेंट का। उसके बाद में आपको निविया के मिल जाएंगे, डव के मिल जाएंगे, अगेन यहाँ पे बलिया है, सेबामेड है, और भी जैसे बहुत सारी यहाँ पे वैरायटीज़ हैं। तो ये जैसे मान लो 65 सेंट से लेके और आपको 2-3-4 यूरो तक मिल जाएंगे। तो ये जो बॉडी वॉश वगैरह है, ये तो हैं इतने सारे, बट यहाँ पे कुछ साबुन्स भी रखी हुई हैं इनकेस अगर आपको साबुन यूज़ करनी है। बट आप देख सकते हैं सोप्स थोड़ी सी कॉस्टली साइड में है। और गाइज, यहाँ पे देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है कि ये साबुन के ही रस्सी जुड़ी हुई है, तो बस इसको टांग दो, झड़ती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो सोप्स बेसिकली पड़ी पड़ी ना गल जाती हैं पानी में। तो ये इसलिए बहुत ही यूज़फुल है। और जैसे कि आपको पता होगा यहाँ के हर बाथरूम में ना टब्स होते हैं, तो फिर जैसे ये बेसिकली यहाँ पे वो भी हैं बबल बाथ वगैरह लेने के लिए, ये यहाँ पे बहुत सारे ये सब पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली आप टब में डाल दो और बबल बाथ आप ले सकते हो इन सब चीज़ों से। और ये वाला पूरा सेक्शन है क्रीम्स का, बेसिकली आई थिंक ज़्यादा लड़कियों का है ये सब। जैसे यहाँ पे वेलेडा का रखा हुआ है, ये वेलेडा जर्मन ब्रांड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इसका। उसके बाद में फिर ये और भी हैं, ये नेचुरल है एलवर्डा की। उसके बाद में यहाँ पे जैसे आप देख लो ओले रखा हुआ है और लोरियाल भी है। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो अगेन आप देखो निविया का भी बहुत सारा कलेक्शन है पूरा। और फिर ये यहाँ पे गार्नियर है। और जर्मनी में ना यूजुअली जैसे जो भी सामान आप नीचे की शेल्फ में देखोगे वो चीप होता है, और जैसे जैसे सामान ऐसे ऊपर आता जाता है वैसे ही प्राइजेस भी बढ़ती जाती हैं। तो आप देख सकते हो नीचे 3 यूरो में मिल रहा है और यहाँ 27 यूरो, 28 यूरो, 15 यूरो, ये सब हो गई हैं। फिर ये यहाँ पे सारे जो भी आजकल जैसे शीट मास्क चल रहे हैं वो हैं। फिर ये आ गए हैं बॉडी लोशंस, तो यहाँ पे भी अगेन बहुत सारी वैरायटी है। अगेन जैसे यहाँ पे वेलेडा का रखा हुआ है, एलवर्डा का रखा हुआ है, यहाँ पे और ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है। ये अगेन बलिया का जो डीएम का खुद का ब्रांड है, इसके भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके हैं यहाँ पे भी बलिया के और बहुत सारे हैं। ये निव्या का भी आप देखो बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो ये जैसे 5 यूरो में है, ये भी 5.5 यूरो का है, ये 4 यूरो का है। और गाइज, ये देखो हमारी निविया की क्रीम, आई थिंक बचपन से मेरे घर में तो हमेशा से ये थी, और आई थिंक इंडिया के बहुत सारे घरों में ये वाला क्रीम का डब्बा तो होता ही है। तो ये भी यहाँ पे मिल रहा है, ये है 3.45 यूरो का। और उसके अलावा ये जैसे ये है निविया की क्रीम। आजकल जैसे इंडिया में भी काफ़ी सारी निविया की वैरायटी आ गई हैं, जैसे ये वाली भी मैंने इंडिया में देखी है, बट यहाँ पे फिर भी निविया का बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। फिर यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों के ट्रैवल साइज पैकेट्स भी पड़े हुए हैं, जैसे छोटी छोटी क्रीम, छोटा लोशन, यहाँ पे चश्मे भी मिल रहे हैं। ये यहाँ पे सारे जैसे जो अपने पैर घिसने वाले, फिर यहाँ पे ना सारे जैसे वाइटामिन्स भी हैं, जैसे आपको अगर कोई भी वाइटामिन डेफिशिएंसी लगती है, जैसे जर्मनी में ना विटामिन डी की काफ़ी डेफिशिएंसी रहती है क्योंकि विंटर में सन नहीं निकलता बहुत टाइम तक, तो यहाँ से जैसे बाय करके आप विटामिन डी वगैरह ले सकते हो। और जैसे और भी अभी प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे मैं आपको बताऊँ जो प्रीनेटल विटामिन्स होते हैं वो भी मैंने यहीं से लेके लिए थे। फिर जैसे ये कोलोजन है, बायोटिन अच्छा बताते हैं हेयर के लिए, तो ये आप ले सकते हो। फिर अभी जैसे डिलीवरी के बाद में मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया मैग्नीशियम लो और है ना कैल्शियम लो, तो जैसे ये मैग्नीशियम का ये वाला है और ये वाला कैल्शियम है, तो मैं अभी ये ले रही हूँ। तो जैसे इसमें पूरी 300 टैबलेट्स हैं, तो पूरा साल चल जाएगा। और ये 4.25 यूरो का है। और भी जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं, ये वाली जैसे रेगुलर में अगेन ले सकते हो, ये मल्टी मिनरल है, ये विटामिन सी है, इसमें मल्टी विटामिन भी आती है। गाइस, अभी क्रिसमस आने वाला है, तो आप देख सकते हो इन्होंने ऑलरेडी ऐसे क्रिसमस के लिए भी क्यूट क्यूट चीज़ें रख दी हैं। तो ये वाला सेक्शन बेसिकली यहाँ पे ना रिप्लेस होती रहती है चीज़ें, जो भी जैसे सीज़न में चल रहा होता है या कभी इनका कोई नया प्रोडक्ट आता है
तो वो ये यहाँ पे रख देते हैं, बट बेसिकली अभी तो क्रिसमस का सारा सामान रख रखा है। तो ये सबसे पहले तो यहाँ पे है गिफ्ट रैप पेपर्स, और उनके साथ में ही साइड में घुसते से ही सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं। ये मेन के हैं, तो काफ़ी ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास मुझे दिख रहा है, फिर एस ओलिवर है, फिर उसके बाद में सीके भी है, तो और ये डेविडॉफ का कूल वाटर आई थिंक काफ़ी फेमस है मेन में, तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं। और उसके अलावा फिर जैसे ये मिस्ट वगैरह भी हैं, और इधर आ जाओ तो अगेन फीमेल्स के भी काफ़ी सारे परफ्यूम की वैरायटी है। तो ये डेविडॉफ का जैसे कूल वाटर काफ़ी फेमस परफ्यूम है, ये यहाँ पे है 35 यूरो का। फिर ये सीके का है, ये है 20 यूरो का, ये 50 ml है, और ये वाला जो है ये 75 ml है। और जैसे ये एडिडास के यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम रखे हुए हैं, तो जैसे 5 यूरो का है, 7 यूरो का है, तो बेसिकली 5-7 यूरो में भी मिल जाएंगे। फिर ये 10 यूरो के आसपास हैं एस ओलिवर के, और फिर अगर और एक्सपेंसिव में जाना है तो ये 30-35 यूरो तक में है। फिर ये यहाँ पे गर्ल्स का भी सेम ही है, जैसे 5 यूरो, 7 यूरो, 15 यूरो, 20 यूरो तक में परफ्यूम्स मिल रहे हैं। तो गाइस जर्मनी में पार्लर जाना तो बहुत महंगा पड़ता है, तो बेसिकली अगर वैक्सिंग वगैरह ये सब करना होता है तो घर पे ही करना प्रेफर करते हैं यहाँ, तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हो गर्ल्स का भी जैसे बहुत सारा रेज़र की वैरायटी है। ये वीनस के हैं बहुत सारे यहाँ पे, अगर एक की प्राइस बताऊँ तो ये 7 यूरो है, फिर थोड़ा एक्सपेंसिव में जाना है तो 13 यूरो है, फिर इनकी जैसे ये एक्स्ट्रा ब्लेड्स हैं, और ये यहाँ पे जैसे शेविंग जेल जो आता है वो भी है। ये वाला रेज़र थोड़ा फैंसी दिख रहा है, 25 यूरो का है। और फिर अगर आपको जैसे रेज़र नहीं करना है तो फिर आप ये वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी ले सकते हो, ये अगेन 3.5 यूरो, 3 यूरो में आपको वैक्सिंग स्ट्रिप्स भी मिल जाएंगी। और ये जैसे फेस का रेज़र है आईब्रोज वगैरह बनाने के लिए, आप ये यूज़ ले सकते हो, ये 3 यूरो का है, इसमें 3 आएंगे। और फिर ये एकदम जैसे बलिया की वो हैं, सस्ते वाले भी हैं, तो ये जैसे 2 यूरो के हैं, इनमें बहुत सारे रेज़र आते हैं बेसिकली, और ये वन टाइम यूज़ वाले हैं, तो यूज़ करो और थ्रो कर दो। फिर सेम यहाँ पे बंदों के रेज़र भी पड़े हैं, तो ये 4 यूरो, 3.5 यूरो का है बेसिकली, इसमें बहुत सारे हैं अगेन रेज़र्स, ये वन टाइम यूज़ वाले हैं, और ये फोम और जो शेविंग क्रीम्स है वो हैं, ये ब्रश भी है शेव वाला, एंड देन अगेन यहाँ पे जैसे ये रेज़र्स वगैरह रखे हुए हैं बहुत सारे, जैसे ये 10 यूरो का है, ये 7 यूरो का है, ये 5.5 यूरो का है, और फिर जैसे जिलेट के बहुत ऐड जाते हैं इंडिया में, तो ये है 13 यूरो का, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लेड रखी हुई हैं। ये अगेन यहाँ पे मेन के डियोज आ गए हैं, तो ये निविया का है 2.45 यूरो, ये रोलोन्स भी हैं, ये बेसिकली 2 यूरो का रेक्सोना का रोलोन, और भी बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। और ये बलिया का भी है अगेन 95 सेंट, तो बेसिकली 80 रुपये का डियोड्रेंट। और गाइस जर्मन्स भी टी पीना बहुत प्रेफर करते हैं, बट जो हमारी देसी चाय होती है या फिर जो ब्लैक टी होती है वो वाली नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ टीज़, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हल्दी चाय है, ये अदरक चाय है, और जैसे यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट की टी वगैरह भी होती हैं, और इनफैक्ट यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हो विंटर टी की कुछ है, इसमें से एप्पल्स और सिनेमन वगैरह जो हर्ब्स वगैरह होते हैं वो हैं बेसिकली। और इनफैक्ट आप बीमार भी होते हो तो यहाँ पे जैसे ये चाय वगैरह आप ले सकते हो, जैसे ये ह्यूस्टन टीज़ हैं, ये हमने जैसे कोरोना में ली थी खांसी वगैरह के लिए, ये यहाँ पे एंटी स्ट्रेस टी भी है, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे आप जब बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी कह देते हैं चाय पी लो, जैसे हमको जब कोविड हुआ था तो डॉक्टर ने हमें कहा था घर पे रहो, ये टीज़ वगैरह पियो और ठीक हो जाओगे। और गाइस जैसे अगर आप बियर्ड ऑयल वगैरह यूज़ करते हो तो वो भी रखा हुआ है, जैसे ये एक है 8 यूरो का, ये एक है 5 यूरो का, ये दाढ़ी काटने के लिए छोटी कैंची भी रखी हुई है, दाढ़ी का कंघा भी रखा हुआ है। ये यहाँ पे ना बहुत सारे वो भी रखे हुए हैं प्रोटीन के, जैसे अगर आप पाउडर वगैरह लेते हो या फिर जो प्रोटीन बार्स हैं क्विक स्नैक के, जैसे आप खा सकते हो हेल्दी ऑप्शन, और जूसेस वगैरह भी रखे हुए हैं। और गाइस मेरे ग्रॉसरी वाले वीडियो में मैंने कहा था हर चीज़ पड़ी हुई है, तो इस वीडियो में मैं खास ख्याल रख रही हूँ, आप लोगों ने बहुत कमेंट्स किए थे पड़ा हुआ नहीं रखा हुआ है, तो इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ रखा हुआ है सब। ये आपको शॉपिंग करते करते प्यास लग जाए तो आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। ये यहाँ पे मास्क मिल रहे हैं, अगेन यहाँ पे कुछ चश्मे और हेयर बैंड्स वगैरह भी मिल रहे हैं, रबड़ वगैरह लड़कियों का सामान। फिर यहाँ पे जैसे ये वाला सामान ना, यहाँ से अब मैं बोलूँगी आप नहीं ले तो बेटर है, ये सब थोड़ा ना कॉस्टली रहता है, जैसे ये सब कंघे वगैरह आप देखो, ये ना 8 यूरो का एक कंघा, वो वाला फिर भी 3 यूरो का है, तो ये आपको और बेटर ऑप्शन कहीं और पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे जैसे अगर आपको कोई भी प्रिंटआउट्स वगैरह लेने हैं तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ़ोटो या पेपर। और गाइज़ यहाँ पे ना पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाने की सर्विस भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 8 यूरो है, हम लोगों ने कभी खिंचवाई नहीं है बट आप खिंचवा सकते हो, बेसिकली यहाँ पे कैमरा लगा के आपकी फ़ोटो खींच के आपको दे देंगे। फिर ये यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो पूरा सेक्शन है हेयर कलर्स का, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ये स्वार्ज़कॉफ भी है, ये स्वार्ज़कॉफ जर्मन ब्रांड ही है, और यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं इसके कलर, जैसे ये 5.5 यूरो का है। फिर ये सायोस है, और उसके अलावा आई थिंक गार्नियर भी होता है, मैंने रखा हुआ देखा है, हाँ ये रहा गार्नियर, तो ये 5
ये 5 यूरो में है, तो आप बेसिकली घर जाके खुद से ही अपना कर सकते हो। ये हेयर का स्टाइलिंग वगैरह के लिए है, तो बेसिकली जैसे यू नो हेयर स्प्रे होती हैं, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होती हैं, वो सब हैं। और ये यहाँ पे अगेन सारा शैम्पू का सेक्शन आ गया, तो शैम्पू भी यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये बलिया का है, ये 1.25 यूरो का है। यहाँ पे बहुत सारे शैम्पू, पैंटीन, अपना लोरियल जो इंडिया में भी मिलता है, निविया भी अगेन बहुत सारा है, बलिया जो डीएम का खुद का ब्रांड है अगेन काफ़ी रीज़नेबल है, जैसे ये 75 सेंट का है यहाँ पे। फिर ये निविया है अराउंड 2.45 यूरोस के अराउंड। फिर ये लोरियल में अगेन 4 यूरो। और यहाँ पे शैम्पू और कंडीशनर सब कुछ है, और अगेन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा वैरायटी है और कितनी सुंदर सुंदर बॉटल्स हैं। मैं यहाँ पे आके हमेशा खो जाती हूँ। और जैसे ये हेयर सीरम, हेयर मास्क, वो सब भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बलिया का हेयर मास्क भी है 2 यूरो का, उसमें भी अगेन बहुत सारी वैरायटी। और यहाँ पे ये वैसलीन भी है, अगेन वैसलीन है 125 ml 1.25 यूरो की। और फिर यहाँ पे जैसे ये क्रीम्स वगैरह हैं, ये 3.5 यूरो है, ये भी 3.5 यूरो है, जो 250 ml है, फिर 150 ml 2.5 यूरो है। फिर ये यहाँ पे ना जैसे कुछ मेकअप के ब्रांड्स भी हैं, सारे नहीं हैं बट काफ़ी सारे हैं, जैसे ये मैक्स फैक्टर है, लोरियल है, मेबलिन है, और ऐसे हर चीज़ नहीं मिलेगी बट काफ़ी कुछ मेकअप का सामान मिल जाता है। और बाकी ये देखो यहाँ पे जैसे नेल पेंट्स हैं बहुत सारी, और ये आगे तक आओगे तो यहाँ पे ये और कुछ मेकअप की ब्रांड्स हैं। ये यहाँ से मैंने जैसे ये ब्लश और उसके अलावा आई थिंक ये कॉन्टोर पाउडर या ये सब भी मैंने कुछ तो थोड़ा बहुत ट्राई किया है, और ये अच्छा है, मैं ये आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। ये मेबेलिन का जो काफ़ी फेमस मस्कारा है, इसका प्राइस देख लेते हैं, तो ये 8 यूरो का है। और ये वाला एक मैं ले भी लेती हूँ वाटरप्रूफ, ये मुझे नीड है, ख़त्म हो गया मेरा। ये जैसे फिट मी फाउंडेशन भी काफ़ी अच्छा है मेबेलिन का, और बहुत लाइक इसमें भी अगेन वेराइटी है, ये भी 10 यूरो का है। और फिर ये यहाँ पर नीचे कंसीलर वगैरह है और ये सब भी हैं। ये लूज़ पाउडर है, ये 7 यूरो के हैं। और उसके अलावा ये यहाँ पे कंसीलर हैं, ये 6 यूरो का है, और ये जो दूसरी रेंज वाले भी हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे हैंड वॉश वगैरह हैं। ये निविया की सोप भी रखी हुई है, बलिया की सोप भी रखी हुई है। वहाँ जो मैंने आपको सोप दिखाई थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन ये वाली अफोर्डेबल है। और ये 50 सेंट की है, तो ये बेसिकली 40 रुपये। फिर ये अपना रोज़ में सामान यूज़ आने वाला कोलगेट वगैरह, तो कोलगेट की भी अगेन यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस हैं। ये 3 यूरो भी है, ये 1.75 है, 4 यूरो की भी है, और नीचे अगेन सस्ते वाले भी हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। ये बेसिक जो कोलगेट है ये 95 सेंट का भी है यहाँ पे, और ये 75 सेंट का भी है। फिर यहाँ पे आपको सारे ब्रश वगैरह के सेक्शन भी मिल जाएंगे, माउथ वॉश वगैरह मिल जाएंगे, अगेन 2 यूरो के आसपास है माउथ वॉश की प्राइस। ये सेंसोडाइन का अगर आपको पेस्ट लेना है तो ये 3 यूरो का। फिर यहाँ पे अगेन गर्ल्स का हाइजीन पर्पज़ का या फिर जो सैनिटरी पैड्स वगैरह हैं वो भी रखे हुए हैं, जैसे ये यहाँ पे है 3 यूरो के आसपास। फिर यहाँ पे बहुत सारे टिश्यू पेपर भी रखे हुए हैं, जैसे ये जो घर के लिए डब्बे होते हैं वो हैं, और जैसे यहाँ पे किचन टॉवल्स अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो वो ये वाले हैं, और फिर ये सारे वो टॉयलेट पेपर्स हैं। तो फिर ये यहाँ पे आ गया सारा क्लीनिंग का सामान, तो बेसिकली जैसे ये डिटर्जेंट लिक्विड है, इसमें भी अगेन बहुत सारी वैरायटी है, 3.25 यूरो से लेके 5 यूरो तक आप ले सकते हो। एंड जैसे अपना एरियल इंडिया में भी काफ़ी यूज़ होता है। और फिर यहाँ पे जैसे ये वो आ गया खुशबू के लिए, जैसे अलग से आपको डालना है अपने वॉशिंग मशीन में तो वो आप ये वाला ले सकते हो। एंड उसके बाद में अगर जैसे इस साइड आ जाएं तो ये जैसे टॉयलेट क्लीनर्स, और इनफैक्ट ये बहुत सारे टाइप के यहाँ पे क्लीनर्स रखे हुए हैं, जैसे किचन का वो आपको क्लीन करना है, सिंक क्लीन करनी है, हर चीज़ के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वो होती हैं, वेराइटीज़ होती हैं। और फिर ये बेसिकली जो टॉयलेट सीट्स में लगाते हैं क्लीनिंग के लिए वो, तो ये भी अगेन 2.45। और ये अगेन फिर यहाँ पे बहुत सारे टॉयलेट क्लीनर्स और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लीनर्स, जैसे ये शावर हेड को क्लीन करने का है, ये सिंक को क्लीन करने का है, एंड व्हाट नॉट, बेसिकली आपको यहाँ पे जो भी चीज़ साफ़ करनी है, जैसे ये सीट साफ़ करने का है, तो ये यहाँ पे ना बेसिकली हर चीज़ का ना स्पेसिफिक क्लीनर मिल जाएगा। ये जैसे सिंक का अगर पाइप रुक गया है तो उसमें डाल दो ये, और फिर वो अंदर जो भी अगर चिपक गया है तो उसको निकाल देता है, उसके लिए है। एंड देन ये बेसिकली आ गया यहाँ पे हमारा बर्तन साफ़ करने का सामान, तो ये जैसे प्रिल वगैरह है, ये 2 यूरो का प्रिल है, ये भी 2 यूरो का है,
तो ये है बर्तन साफ़ करने का। और अगर आप जैसे मशीन में बर्तन धोते हो तो उसके लिए यहाँ पे जैसे टिक्किया टाइप आती हैं, तो ये भी जैसे 10 यूरो में पूरा, ये 67 टैबलेट्स आ गई, ये भी 10 यूरो में 54 टैबलेट्स आ गई, तो इतनी सी टैबलेट्स आती हैं ये। और जैसे बेसिकली ये है, और इसको आप अपने डिश वॉशर में डाल के अपने बर्तन साफ़ कर सकते हो। एंड ये फिर यहाँ पे आ गया जो टॉयलेट में अपन रखते हैं बेसिकली घर में या टॉयलेट्स में खुशबू के लिए जो रखते हैं वो। फिर यहाँ पे कुछ कैंडल्स वगैरह भी हैं, ये अगेन और गिफ्ट पेपर्स हैं जैसे अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना हो तो। फिर ये यहाँ पे आ जाता है बेबी का सेक्शन, तो ये अभी हमारा बहुत यूज़ हो रहा है, तो ये यहाँ पे तो है सारा, जैसे जब बेबी खाने लगता है तो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स और वो सब हैं। इनका भी जैसे आप देख सकते हो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है। और उसके अलावा जैसे फॉर्मूला मिल्क है वो सब भी यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर एक की प्राइस देखें तो ये 18 यूरो के आसपास हैं। तो यहाँ पे हैं सारे बच्चों का सामान, अगेन पैसिफायर्स, बॉटल्स और जैसे ये वाली फीडिंग बॉटल्स। ये यहाँ पे बेबी का चेंजिंग स्टेशन भी है इन केस ऑफ एमरजेंसी। और एक टॉय भी है कि अगर आपको बच्चा बोर हो रहा है तो इसमें खेल लेगा। एंड देन अगेन यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के सारे वो आ गए, क्रीम पाउडर शैम्पू वगैरह, तो ये इनकी पैकेजिंग भी काफ़ी क्यूट क्यूट है। ये अगेन सारे बेबी के जैसे वही निलाने के और वो सब के सामान, ये यहाँ पे अगेन वेलेडा के जैसे रखे हुए हैं बच्चों के ये का। फिर ये यहाँ पे हैं अगेन बच्चों के बहुत सारे पैम्पर्स, ये हमारे अभी बहुत यूज़ में आ रहे हैं, तो पैम्पर्स भी अगेन जैसे 8 यूरो का है, 7 यूरो का है, बड़ा पैकेट अगर लेना है तो 15-16 यूरो का है डिपेंडिंग ऑन द बेबी की साइज़। और फिर अगर इधर आप देखोगे तो बहुत सारे कपड़े भी इनफैक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे बच्चों के, तो आप यहाँ से कपड़े भी ले सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप डीएम से मत लो कपड़े, क्योंकि जितना हमने देखा थोड़ा सा ना एक्सपेंसिव है। CNA, H&M इन सब में थोड़ा बेटर प्राइस है। फिर ये टोपियाँ वगैरह भी हैं बच्चों की, ये चॉकलेट के सेंटा भी रखे हुए हैं 2 यूरो के। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पूरा आइडिया मिल पाया हो कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है और कितने सारे ऑप्शन होते हैं और बेसिकली आपका यहाँ पे क्या खर्चा हो सकता है इन सब चीज़ों का। गाइज अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।